उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस में कह रहा हूं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है कखड़ा क्या हो, ये माफिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप ही हैं, अपराधी से भी दूर का अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है नहीं सुनेंगे इनके, ये तो आप जानते हैं, आपको बताना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रगरों में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं क्या, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और आज ये लोग अपनी साफ पोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा, अभी सुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिसने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सच में 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वो माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले, आप अपने स्थान पर चले। मेरा निवेदन है कि आप